हेलो गाइस, वेलकम टू आईटेक अब हिंदी यूट्यूब चैनल एंड मेरा नाम है ध्रुवीन। सो गाइस, आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में बात करने वाले कि iOS 16 को अपडेट करते टाइम बहुत ही सारे आईफोन यूजर्स टू एस्टिमेटिंग टाइम रिमेनिंग एंड अपडेट रिक्वेस्ट पे स्ट्रक हो जाता है। बहुत ही सारे आईफोन यूजर्स ने मेरे iOS 16 अपडेट वाले वीडियो में बहुत ही सारे यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि हमने iOS 16 को अपडेट करते टाइम एस्टिमेटिंग टाइम रिमेनिंग एंड अपडेट रिक्वेस्ट पे स्ट्रक हो चुका है। यूजर्स का कहना है कि इस इश्यू को अपने आईफोन की या तो आईपैड की तरफ से कैसे फिक्स करें। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरी चैनल को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना ताकि इस ट्रक प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें उसका सॉल्यूशंस अपने आईफोन या तो आईपैड की तरफ से मिल जाए। जनरली अपने आईफोन में स्ट्रक प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आपको यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस की बात करें तो एरोप्लेन मोड को टर्न ऑन एंड ऑफ करना होगा। सबसे पहले आपको सेटिंग्स ओपन करके एरोप्लेन मोड को टर्न ऑन कर देना होगा। उसको थोड़े टाइम तक वेट कीजिए और उसके बाद एरोप्लेन मोड को टर्न ऑफ करके इस इशू को भी फिक्स कर सकते हो। सॉल्यूशन नंबर टू की बात करें तो अपने आईफोन या तो आईपैड को एक बार टर्न ऑन एंड ऑफ कर देना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स ऐप को ओपन करके आपको जनरल में जाना होगा। जनरल में आपको लास्ट ऑप्शंस मिल जाता है शटडाउन का, उसके ऊपर टैप कर लीजिए। यहाँ से आपको स्लाइड टू पावर ऑफ का ऑप्शंस मिल जाता है, यहाँ से स्लाइड टू पावर ऑफ कर दीजिए। थोड़े टाइम तक वेट कीजिए, उसके बाद अपने आईफोन या तो आईपैड को अगेन पावर ऑन ऑफ बटन से ओपन कर लीजिए। जब भी इस तरह का स्ट्रक प्रॉब्लम इश्यू शो हो तो अपने आईफोन में जो पास कोड है उसको टर्न ऑफ कर देना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले सेटिंग्स ऐप को ओपन करके आपको फाइंड आउट करना होगा टच आईडी एंड पासवर्ड को। उसके बाद अगेन आपको अपने आईफोन का पासवर्ड एंटर करके फिर से एक ऑप्शंस मिल जाता है टर्न ऑफ पासवर्ड का, उसके ऊपर टैप करके इस इश्यू को भी फिक्स इजीली कर सकते हो। बहुत ही सारे आईफोन यूजर्स अपने आईफोन में iOS 16 या तो कोई भी iOS वर्जन को अपडेट करते टाइम VPN का यूज़ करते हैं। सॉल्यूशंस की बात करें तो अपने आईफोन में VPN को टर्न ऑफ करना होगा। उसके लिए सबसे पहले सेटिंग्स ओपन करके जनरल में आपको एक ऑप्शंस मिल जाएगा VPN एंड डिवाइस मैनेजमेंट का। आपका आईफोन VPN से कनेक्टेड हो तो सिंपली आपको टर्न ऑफ या तो डिसेबल करके आप इस इशू को फिक्स कर सकते हो। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन सॉल्यूशंस के बारे में। मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन ऐसा है कि अपने आईफोन में रिसेट नेटवर्क सेटिंग से भी इस इश्यू को फिक्स कर सकते हो। बहुत ही सारे यूजर्स को इस क्वेश्चन है तो कैसे रिसेट नेटवर्क सेटिंग्स करें। उसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स ऐप को ओपन करके आपको जनरल में जाना होगा। जनरल में आपको ट्रांसफर एंड रिसेट आईफोन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें से आपको रिसेट सिलेक्ट करके सेकंड ऑप्शन मिलता है रिसेट नेटवर्क सेटिंग्स। अपना आईफोन का पासवर्ड एंटर करके अगेन आपको रिसेट नेटवर्क सेटिंग्स के टैप कर देना होगा। सॉल्यूशंस नंबर सिक्स की बात करें तो सबसे पहले अपने आईफोन में फोर्स रिस्टार्ट कर देना होगा। आप अपने आईफोन 13 सीरीज़, 12 सीरीज़, 11 सीरीज़ या तो एक्स सीरीज़ यूज़ करते हो तो सबसे पहले वॉल्यूम अप बटन को प्रेस कीजिए, उसके बाद वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस कीजिए, उसी के साथ साथ पावर ऑन ऑफ बटन को भी प्रेस कर दिए। जब भी अपने आईफोन की स्क्रीन पर एप्पल लोगो अपीयर हो तभी ऑल द बटन्स को रिलीज करके आप इजीली रिस्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम का लास्ट सॉल्यूशंस के बारे में। लास्ट सॉल्यूशन ऐसा है कि अपने आईफोन में रिसेट ऑल सेटिंग्स कर लेना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स ऐप को ओपन करके आपको जनरल में जाना होगा। जनरल वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे एक ऑप्शंस मिलता है ट्रांसफर एंड रिसेट आईफोन में, उसके ऊपर सिलेक्ट करके आपको रिसेट में जाना होगा। रिसेट में फर्स्ट ऑप्शंस मिलता है रिसेट ऑल सेटिंग्स, अपना आईफोन का पासवर्ड एंटर कीजिए, उसके बाद अगेन रिसेट ऑल सेटिंग्स करके आप इस इशू को फिक्स कर सकते हो। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट से सब्सक्राइब आपके फ्रेंड को भी शेयर करना ताकि ऐसी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।